नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर 6 जून से लेकर 12 जून का समय यह एक काम कर दें, आपका घर पैसों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर कोई अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए पैसे कमाने की राह पर निकलते हैं। कोई पैसे कमाने के लिए अगर अच्छे कार्य करते हैं तो कोई पैसे कमाने के लिए पूरे कार्य भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जिन्होंने भी मेहनत और संघर्ष से कमाया है उनका धन टिकता है, लेकिन दोस्तों जिन्होंने भी छल और कपट का सहारा लिया है धन कमाने में, अक्सर उनका यह शिकायत आती है कि धन हमारा टिकता नहीं, कहीं ना कहीं किसी के बहाने, रोग के बहाने या फिर किसी मुसीबत के बहाने हमारा धन हमारे घर से चले ही जाते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको भी अपने जीवन काल में यह एक काम करना है, जिनसे दोस्तों आपके जीवन काल में धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन काल पर बरसेंगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भोलेनाथ को कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में एक नाम भोलेनाथ का भी आता है। जी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, इन्हें शिव बेलपत्र से भी लोग प्रसन्न कर लेते हैं। अगर आप सच्चे मन से शिव को बेलपत्र भी अर्पित कर देते हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ आपको क्या कहते हैं कि कौन से एक कार्य कर दें ताकि आपका घर पैसों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सबको बता दें कि भगवान भोलेनाथ का अब ब्रह्मबेला का समय शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 6 जून से लेकर 12 जून का समय भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मबेला का समय शुरू होने वाले हैं। यश में भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर दिलो जान निछावर करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रहों में जो शुभ योग का निर्माण हुआ है, शास्त्रों का कहना है कि आने वाले 7 दिनों में भोलेनाथ के बहुत ही दुर्लभ संयोग शिव नाम का शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले 7 दिनों तक उनके भक्तों के ऊपर बड़ा ही चमत्कार करेगा। तो दोस्तों, इस में आप बिल्कुल ही मौके को ना गवाएं और दोस्तों यह एक काम आप जरूर ही कर दें। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लें। भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आपकी और आपके परिवार पर बरसेंगी। जी दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिजन में आपके प्रत्येक क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। जी दोस्तों, साथ ही बात करेंगे कि आपको यश में कौन से एक चीज है जिन्हें करने से आपके जीवन काल में पूरी तरह धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के एक बहुत ही अमूल्य वचन से कि दोस्तों भोलेनाथ कहते हैं कि क्यों घबराते हो तुम, हर वक्त क्यों घबराते हो तुम, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा अपने कार्यों पर डट कर आगे तो बढ़ो, मैं तुम्हारे मंजिल के तो पास हूँ, जरा नजरें खोल कर तो देखो, अपने अंदर हिम्मत रख कर तो देखो, मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे आगे हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ और तुम्हारे दाएं बाएं हूँ, बस अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर मैंने क्या जोत जगाई है, यकीनन तुम्हें अपने सफलता का मंजिल मिल जाएगा, बस यूं नजरें ना झुकाओ और अपने आप में हार ना मानो। जी दोस्तों, अगर आपको यह बातें पसंद आई हो या बातें आप समझ पाए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, इसके उपरांत बात करेंगे कि आपको यश में कौन से एक चीज को करना है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आपका सोच समझ कर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको अवश्य ही अपने कार्यों में सफल करेगा। कोई रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर ही हो जाएगी।
इसको प्रांत दोस्तों यशमेघ रात की सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमेघ सामाजिक क्रियाकलापों पर अवश्य ध्यान दें। ज़्यादा आत्मकेंद्रित होना भी मान हानि दे सकता है। कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप कभी कभी किसी विषय को गहराई से जानने की आपकी इच्छा भी आपको अपने विशेष लक्ष्यों से भटका सकती है तो दोस्तों यश में आपको इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित बातों पर यश में आपका अधिक ध्यान बना रहेगा। पैसे से संबंधित तकलीफें को दूर करने के लिए आपकी कोशिश इसमें जारी रहेगी और इनकी वजह से किसी बड़ी समस्या का समाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यश में आप पर बने हुए कर्जे को दूर करने की आपकी कोशिश जल्द ही सफलता में बदलने वाली है। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण भी कर रहा है। आप अपनी सूझबूझ तथा बुद्धिमत्ता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को सफल आप कर पाएंगे। दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत ही उत्तम शब्द होगा। इसको प्रांत दोस्तों यश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना जरूरी होगा। दोस्तों यश में अपने गुस्से पर काबू रखें तथा गैर कानूनी कार्यों में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए मिला जुला ये जो समय है फल देने वाला समय होगा। दिन की शुरुआत में सफलता तो आपको मिलेगी लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी आपकी कठिनाइयां बढ़ सकती है, काम आपका बढ़ सकता है। आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको परिवार का खास व्यक्ति या फिर भाई का बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपके नजदीक आएगी। हर बात को गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। आय के उचित मार्ग भी यश में प्राप्त होंगे। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ होने की भी योग बन रहे हैं। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में बदलते परिवेश की वजह से आप जो भी प्लानिंग किए हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बीमा या फिर निवेश संबंधी कार्यों के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों आपसी मेल मिलाप आपको यश में खुशी देने वाले हैं। इसको प्रांत दोस्तों यश में अधिकतर समय घर से बाहर गतिविधियों में भी बीत सकता है परंतु इसका कोई उचित परिणाम भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है, इस बात पर ध्यान दें, जिसका असर आपके श्वास पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों इनको लेकर यश में आपको सचेत रहना चाहिए। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि सेहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। काम की बातें की वजह से आपकी भागदौड़ी बढ़ सकती है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत भी यश में आपको पड़ सकती है। करीबी लोगों से खुलकर मदद मांगने की आवश्यकता होगी, अवश्य आपको मदद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यावसायिक स्थल पर कुछ सुधार संबंधी परिवर्तन होंगे। उसमें वास्तु समस्त नियमों का अवश्य पालन करें। दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां होने की संभावना बन रही है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह आप यश में अवश्य लें। इसको बना दोस्तों मार्केटिंग व फिर सेल्स से संबंधित कार्यों को पूरे ना होने की वजह से यश में आपके ऊपर तनाव भी बन सकता है। इसको प्रांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, कार्यस्थल पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए तथा वर्तमान के कार्यों पर ही आपको ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। दोस्तों कर्मचारियों की गतिविधियों में संबंधित परेशानी खड़ी हो सकती है परंतु दोस्तों तनाव लेने के बजाय समझदारी से हल निकालना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा, तो इन पर ध्यान दें। इनसे दोस्तों आप समस्या का हल भी निकाल पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में खान पान से संबंधित व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार आएगा। अपने काम की क्वालिटी पर और अधिक ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। ऑफिस में भी काम की जो है बहुत अधिक अधिकता रहेगी। ओवर टाइम भी आपको यश में करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि नई नौकरी की तलाश करने वालों को सफलता प्राप्त हो सकती है और कहीं पर आपको एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की,
तो दोस्तों ऐसे में जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बना रहेगा तथा घर परिवार की जरूरतों पर भी आपको ध्यान देना आपके लिए अश्वमेध जरूरी होगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें कि जाने अनजाने में पार्टनर के प्रति लापरवाह आप हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में इन सब चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका प्यार यश में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके उपरांत दोस्तों अत्यधिक व्यवस्था के कारण परिवार पर आपका ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से घर में अव्यवस्था भी रह सकती है, तो दोस्तों सब काम के साथ साथ आपको घर परिवार को भी समय देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि गुस्से और उत्तेजना पर आपको काबू रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है, तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों नजला जुकाम जैसी परेशानी भी आपकी बढ़ सकती है, काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी ग्रहों की स्थिति जो कि आपकी जुनकाल पर घटित होने वाले हैं। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको अपने जुनकाल में कौन सा एक चीज है जिन्हें करना है। दोस्तों देखते ही देखते आपके जुनकाल में सभी धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और पेशों से आपका घर भरेगा। जी दोस्तों आप शिव को बता दें, दोस्तों आपको बता दें कि आप शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, साथ ही आप आने वाले सोमवार के दिन में रुद्राक्ष की माला से ओम सुमिश्राय नमः का करीब 108 बार जाप करते रहें। जी दोस्तों इस उपाय से आने वाले 7 दिनों के अंदर आप इन उपायों को करें और दोस्तों इनका जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा, आपकी जुनकाल में आपकी आर्थिक तंगियां, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और भोलेनाथ का असीम कृपा आपकी जुनकाल पर यूं ही बरसता रहेगा, जुनकाल से समस्याएं खत्म होने लगेंगी। जी दोस्तों बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शायद दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।